अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम हो चुका है आपका रूशीज किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं झटपट और एक बहुत ही मज़ेदार पुलाव जिसका नाम है मसूर पुलाव। तो चलो देखें किस तरह बनता है रूशीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं मसूर पुलाव, बहुत मज़े का पुलाव बनता है। और मसूर पुलाव में हम लंबे वाले चावल इस्तेमाल करेंगे, तो इसको धोकर भिगा देंगे हम आधे घंटे के लिए। ये मेरा चावल है आधा किलो और मेरी मसूर दाल है पाव किलो, यानी चावल का आधा हिस्सा। कांदा मैंने दो मीडियम साइज़ का, बड़ा मीडियम साइज़ का कांदा ली थी, उसको लंबा बारीक काट ली हूँ। टमाटे मैंने तीन ली थी मीडियम साइज़ के, और ये खड़े गरम मसाले। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। तेल को रख दी हूँ मैंने गरम होने, और ये खड़े गरम मसाले जो स्टार्टिंग में ही जाएंगे, जो अक्सर पुलाव में जाते हैं, जैसे तेज़पत्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ीरा, लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो बड़ी इलायची, बादियान फूल और काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे। मसाले को थोड़ा अच्छा पका लेंगे तेल में। बहुत मज़े का बनता है मसूर पुलाव, और झटपट भी बन जाता है। अब हम प्याज, इसमें हमारे जो प्याज है इसमें ऐड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, और प्याज को अच्छा ब्राउन करेंगे। तेल मैंने ली हूँ तीन बड़े चम्मच। मसूर पुलाव में तेल थोड़ा अच्छा ही डालने का। ये जो मिर्ची आती ना, हल्की हरी मिर्ची, इसको भी ऐसा हम रफली तोड़ के डाल देंगे। तो जैसे हम हमेशा चिकन पुलाव खाते हैं, मटन पुलाव खाते हैं, सोयाबीन पुलाव खाते हैं, अक्खा मसूर पुलाव भी बहुत ही टेस्टी लगता है। यानी इसको खाने से ऐसा लगेगा नहीं कि हम कोई चिकन मटन पुलाव नहीं खा रहे, उसका सेम ऐसे ही टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसा लगेगा मटन पुलाव ही खा रहे हैं हम। बहुत मस्त, मज़े का, बेहतरीन लगता है। वेजिटेबल पुलाव हो गया, तो सबसे हटके मेरे को लेकिन मसूर पुलाव मेरे को बहुत पसंद और बहुत मज़े का भी लगता है। ज़रूर आपके घर में ट्राई करना रेसिपी, बनाना, बहुत मज़ा लगता है, मज़े का लगता है पुलाव। तो माशाल्लाह से प्याज अच्छी ब्राउन हो गई है हमारी। गैस को हम स्लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं आधा किलो के चावल के हिसाब से दो चम्मच बड़ा वाला भर के डाल रही हूँ, आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से डालना। थोड़ी देर इसको भून लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। और फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। सफ़र पे भी जाते ना तो ये वाला पुलाव बना के लेके जाओ ना, बहुत मज़ा आती है खाने। हम लोग अक्सर किधर घूमने जाते ना तो ज़्यादातर ये मसूर पुलाव बनाकर लेकर जाते हैं। थोड़ा अदरक लहसुन का स्मेल जो है ना, कच्चापन का, थोड़ा हल्का भून लेंगे, उससे हट जाएगा। उसके बाद हम इसमें, मैंने टमाटर को देखो इस तरह गोल कटिंग कर कर डाली हूँ, तो इससे क्या है टमाटर अच्छे गल जाते हैं और जल्दी गल जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको आलू डालना है तो आप आलू डाल सकते हैं, अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं। नमक डाल देंगे टमाटर डालने के बाद, इससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। वैसे भी झटपट पुलाव है, बहुत जल्दी बन जाता है। मसूर को अच्छे से भिगा देना, कम से कम एटलीस्ट 3-4 घंटा। जितना मसूर अच्छा भिगा हुआ रहेगा, देखो मैंने अच्छे से 3-4 घंटा भिगाई थी, माशाल्लाह से अच्छा फूक गया, अच्छा मस्त लग रहा है।
मसूर ऐसा नहीं कि बस आधे घंटा भिगाए हो गया, एटलीस्ट एक घंटा भिगाना। मेरे बच्चों को आलू चाहिएगा ही पुलाव में, तो मैं इसमें आलू भी डालूंगी। अगर आपको डालना है डालो, और आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। टमाटर अच्छे से गल गए हैं माशाल्लाह से। अब हम सूखे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, दो दो चम्मच है, और हल्दी पाउडर है एक चम्मच। मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे हम। गैस को स्लो कर देंगे मसाला भूनने के टाइम पे। दो मिनट के लिए अच्छा मसाले को भून लेंगे हम। इसके बाद इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही मैंने ली हूँ 150 ग्राम जितनी। दो मिनट तक मसाला भून के हो चुका है मेरा। अभी हम इसमें दही ऐड कर लेंगे, और दही ऐड करने के टाइम पे गैस को हम स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को भी अच्छा भून लेंगे हम। दही को हम अच्छे से भून लिए हैं मसालों में माशाल्लाह से। अभी ये गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा घर का गरम मसाला पिसा हुआ है। इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाला, मटर मसाला इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें डाल देंगे सिरका। अगर आपके पास नींबू का जूस है तो वो डाल दो। मेरे पास सिरका है, मैं 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ सिरका इसमें। सिरके से एक अच्छा इसमें जो इसका स्वाद है ना, एकदम हटकर आएगा, और चावल भी हमारे खिले खिले बनेंगे। तो नींबू का जूस या इसमें सिरका ज़रूर ऐड करना। अब जो हमने मसूर डाले थे रखे थे ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आलू मैं ले लूंगी। अक्सर ठंडी के मौसम में ना पुलाव खाने बहुत मजा आता है। कोई भी पुलाव हो, मसूर पुलाव, ज्यादातर तो मसूर पुलाव खाने का कुछ मजा ही अलग रहता है ठंडियों में। और इस तरह बनाएंगे चटाकेदार मसाले वाला, बहुत मजे का लगेगा खाने में। लंबे चावलों के साथ तो और भी मजा आता है खाने में। मसूर दाल को हम अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकाने छोड़ देंगे। इसमें मैं 1 ग्लास जितना पानी डालूंगी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। पानी हमें बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि हमारे चावल भी भीगे हुए रहेंगे, तो वो हिसाब से हम बहुत एहतियात से पानी डालेंगे हमारे चावल इसमें पुलाव में। उसको हम ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पे छोड़ देंगे। अब इसमें हल्का हल्का उबाल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा बासमती चावल है वो हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं मेरे अंदाजे के हिसाब से पानी डाल रही हूँ, आप आपके अंदाजे के हिसाब से पानी डालना।
पानी एकदम एहतियात से डालना। मेरे घर के हिसाब से ये चार ग्लास चावल है तो मैं 3.5 ग्लास जितना ही पानी डालूंगी, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं तो मैं, मेरे को अंदाजा है वो हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा पकाती हूँ इसी टोप में, तो मैं वो हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी एहतियात से डालना, नहीं तो चावल नरम पड़ जाएंगे अपने लंबे वाले। इसको हम चावल को जोश आने, पानी को जोश आने देंगे, इसके बाद हम हमारे चावल इसमें ऐड कर लेंगे। इसको एक उबाल आने देंगे पानी को, इसमें हम हमारे चावल मिला देंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके लिए पका लेते हैं कि दाल थोड़ी हल्की नरम हो जाए और हमारे आलू भी थोड़े हल्के नरम हो जाए। फिर हम एकदम पूर्ता पानी डालेंगे और फिर उसमें हम इसको बाद में दम पे दे देंगे, तो सब कुछ अच्छे से पक जाना चाहिए। तो अब एक उबाल आ गया है पानी में, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल डाल देंगे हमारे आस्ते आस्ते करके, इसको मिला लेंगे अच्छे से। गैस को फास्ट ही रखेंगे। तो माशाल्लाह से पानी पूरा सूख गया है चावलों का, अब हम इसको दे देंगे दम पर। देख सकते हो आप, थोड़ा सा घी डालेंगे इसके ऊपर हम, इससे बहुत बेहतरीन और मज़े का जायका आता है। अक्सर रात में हम लोग ये बनाते हैं ठंडियों में, सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है खाने इसको। इसी तरह आप भी ज़रूर बनाना, और देसी घी ऊपर डालते ना बहुत टेस्टी लगता है। अब हम क्या करेंगे, एक ढक्कन पे ऐसे कपड़ा डालेंगे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कपड़ा रखने से चावलों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दम पे देने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा दम पर दे देंगे इसको स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए सिर्फ। हमेशा कभी भी कपड़ा रखने से चावलों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। आप भी कोशिश करें कि इस तरह से आप भी चावल पर कोई भी अपना रोटी का रुमाल लगाकर उसको ढक्कन से पैक करके फिर रखें। एक बार ट्राई करके देखना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद, दम पर पुलाव है, 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो 10 मिनट हो चुकी है माशाल्लाह से, गैस को हम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से देख सकते हो आप। अब मैं इसको टच नहीं करूँगी, 10 मिनट रुक जाऊँगी, उसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके बताती हूँ, क्योंकि चावल बहुत गर्म है ना इसीलिए। माशाल्लाह से बहुत मज़े का खिला खिला बना है। उसको हिलाऊंगी ना पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, और वैसे भी कैमरे में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा 10 मिनट के लिए मैं रुक जाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है हमारा मसूर पुलाव, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बिल्कुल दानेदार हमारे चावल बने, ठीक है। और आलू जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी को हम लोग बोलते हैं कि आलू डाल के ही बनाओ। और माशाल्लाह से आइए आप भी बिस्मिल्लाह करने, बहुत टेस्टी होता है ये पुलाव, ज़रूर आप जो है बनाओ ट्राई करो। वेज में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये खाने के लिए, तो बहुत टेस्टी। बुखार वगैरह होती ना, फिर डॉक्टर बोलते हैं चिकन मटन मत खाओ, तो ऐसा वाला पुलाव बना के खाएंगे ना, बहुत मुंह भी अच्छा हो जाता है और बहुत मजे का पुलाव बनता है। जरूर बना के ट्राई करना एक बार रेसिपी को, और ठंडी में तो और मजा आता है इसको खाने में। जितना सिंपल है उतना बहुत टेस्टी भी है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना बना के पता नहीं चलेगा। तो हमेशा चिकन और मटन पुलाव तो हम खाते ही रहते, तो मसूर पुलाव भी एक बेस्ट ऑप्शन है। वेज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये, बिरयानी से कम नहीं है। और जो है मसूर ऐसे भी अच्छा ही होता है खाने में, मसूर का सालन भी मम्मी बनाते हैं ना,
मसूर का साग मसूर कीमा बिरयानी भी बहुत मस्त बनती है, मजे की बनती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको रेसिपी दूंगी जल्दी से। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी जरूर कमेंट करें हमें बताएं हमें। बाकी मसरूफ हो गई है खाने में। नहीं बाकी ना सच में इतना टेस्टी है ना ये, सच में बहुत टेस्टी है। जब तक आप बनाओगे नहीं आपको ना मालूम नहीं पड़ेगा, जितना सिंपल है उतना कई ज्यादा टेस्टी भी है ये। हमेशा हम जो है खिचड़ी बना लेते हैं, कभी कभी सादा पुलाव बनाते हैं, तो ये बना लिया करो बेस्ट ऑप्शन है। और हल्का फुल्का खाने का मन करे तब भी ये बना लिया करे, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है खाने में, डिलीशियस है, बहुत सादी सिंपल रेसिपी है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। फिर हम मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग रुचि किचन।